दिल्ली से फैजाबाद जा रही पद्मावत एक्सप्रेस की 8 बोगियां गढ़मुक्तेश्वर के पास पटरी से उतर गईं। इस हादसे में करीब 70 लोग जख्मी हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रेन का इंजन और शुरुआती डिब्बे आगे निकल गए और पीछे की 8 बोगियां पटरी से उतरकर एक तरफ झुक गईं। ट्रेन में 19 डिब्बे थे। इस घटना से दिल्ली मुरादाबाद रेल रूट कई घंटों के लिए ठप हो गया। हादसा रविवार रात करीब 9:05 पर हुआ। अगस्ता वेस्टलैंड चौपर मामले में आज पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी से सीबीआई पूछताछ करेगी। इस बीच भारतीय जांच एजेंसियों ने कहा है कि हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत का कुछ हिस्सा विदेशी निवेश के तौर पर भारत लाया गया। इसके लिए मलेशिया और ट्यूनिशिया की फर्जी कंपनियों का सहारा लिया गया। यूपी में जीत के लिए कांग्रेस चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के भरोसे है। चौतरफा मुकाबले में बाजी मारने के लिए कांग्रेस को राहुल के चेहरे की दरकार है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक अगर कांग्रेस को यूपी में जीतना है तो पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना होगा। प्रशांत किशोर ने दूसरा विकल्प प्रियंका गांधी वाड्रा का दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने माना है कि स्टिंग की सीडी में उनकी ही आवाज है। रावत ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि अगर सीडी में ऐसे सबूत हैं जो कि बागी विधायकों का समर्थन पाने के लिए पैसे देने की बात साबित करता है तो वो सरेआम सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग धधक रही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, श्रीनगर, कोटेश्वर के जंगलों में आग तेजी से फैलती जा रही है। जंगलों के आसपास बसे गांवों में भी आग की लपटें पहुंचने लगी है। सेना के 3 हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने और प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं। हालांकि राज्य प्रशासन ने कहा है कि हालात काबू में है और 4 केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम, 3 एनडीआरएफ की टीम हालात पर काबू पाने में जुटी है। वन विभाग के कर्मचारी भी आग को फैलने से रोकने की कोशिशों में जुटे हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में भी आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। 400 हेक्टेयर में आग फैल चुकी है। शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अकेले राजधानी शिमला में ही 14 जगहों पर करीब 60 हेक्टेयर में आग फैल गई है। सूबे के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहा है। उत्तराखंड के सुलग रहे जंगलों की आग अब उत्तर प्रदेश का रुख कर रही है। आग ने शिवालिक पर्वतमाला के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है जिससे आग के यूपी की तरफ बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अचानक जंगल के बीचों बीच लगी इस आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप अख्तियार कर लिया। अचानक लगी आग से वन विभाग के होश फाकता है। फॉरेस्ट की टीम आसपास के गांव के लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। रामपुर के विद्युत उपकरण गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गोदाम से सटे जंगल में पहले ही आग लगी थी, फिर उसने गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम इंचार्ज के अनुसार अब तक 50 लाख से भी ज्यादा का सामान जलकर राख हो चुका है। हनुमानगढ़ में एक मंडी में आग लगने से हजारों क्विंटल गेहूं खाक हो गया। इस इलाके में दमकल की गाड़ियों का इंतजाम नहीं होने से लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों का आरोप है कि पहले भी आग लगने की आशंका जताई गई थी लेकिन अफसरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। राजस्थान के झालरापाटन में एक बस में आग लग गई। बताया जाता है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। समय रहते बस यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। बस झालावाड़ से डग जा रही थी। बस में करीब 50 सवारियां बैठी थी। बाद में फायर ब्रिगेड वालों की मदद से आग बुझाई गई। हरिद्वार में भीषण गर्मी का असर गंगा के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। गंगा सूखने लगी है और जलस्तर तेजी से घट रहा है। भीमगोला बैराज से ही गंगा की मुख्य धारा से उत्तरी खंड गंग नहर निकली है। गंग नहर में करीब 10,500 क्यूसेक पानी राजधानी दिल्ली तक जाता है मगर जल की कमी से नहर में केवल 6,000 क्यूसेक जल ही छोड़ा जा रहा है। यूपी के बागपत में पानी की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी के सोते और हैंडपंप सूख गए हैं और जो हैंडपंप चल रहे हैं उसमें पानी इतना गंदा है कि पीने पर बीमार होने की आशंका है। लोग कई कई किलोमीटर दूर से पानी ढो रहे हैं लेकिन प्रशासन को उनकी सुध तक नहीं है। जैसलमेर में मई के शुरू होते ही पारा 45 के पार पहुंच गया है। शहर के बिजी इलाकों में भी दोपहर होने के साथ ही सन्नाटा पसर जाता है, मानो कर्फ्यू लगा हो और इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। आसमान से आग बरस रही है और जिले में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है।
मध्य प्रदेश के रीवा में पानी की समस्या को लेकर एक शख्स का अनोखा प्रदर्शन सामने आया। ये शख्स 60 फीट गहरे कुएं में अनशन पर बैठ गया। लगभग 8 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े बाइक सवार दो बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। घटना P3 गोल चक्कर की है। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। मृतक का नाम शमीम है, जो ड्राइवर था और गाजियाबाद का रहने वाले। हत्यारों की तलाश में जुट गई है। यूपी के चंदौली में एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी। मामला प्रेम प्रसंग का है। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगा दिया और उसकी लाश को 24 घंटे से ज्यादा घर में छुपाए रखा। मामला तब खुला जब लाश से बदबू आने लगी और शातिर पत्नी ने थाने जाकर अज्ञात लोगों के खिलाफ पति की हत्या की रिपोर्ट भी लिखवा दी, लेकिन पुलिस के सामने पत्नी का झूठ टिक नहीं सका। हत्यारी बीवी पुलिस गिरफ्त में है। हाथरस के सादाबाद इलाके में कुएं से एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान राम सहाय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि कार ड्राइवर राम सहाय 3 दिन पहले घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। गाजीपुर में संपत्ति के लिए सगे भाई ने भाई की हत्या कर दी। बड़े भाई ने अपनी पत्नी संग मिलकर छोटे भाई को कुल्हाड़ी से मार डाला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार हत्यारे भाई और भाभी की तलाश में जुट गई है। फरुखाबाद पुलिस ने एक महिला बदमाश मीरा जाटव को पकड़ा है, जो लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती और भोले भाले राहगीरों को हुस्न के जलवे दिखाकर लूट लेती। पुलिस ने मीरा जाटव को आधा किलो नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार किया है। मीरा जाटव पर आधा दर्जन से ज्यादा लूट डकैती के मुकदमे दर्ज है। आगरा में एसटीएफ ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल कराकर परीक्षा पास कराने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को पकड़ा है। इनके पास से 2 लग्जरी गाड़ियों समेत 1,08,000 रुपए, 130 एडमिट कार्ड और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरोह का नेटवर्क खंगाल रही है। पंजाब के मोगा में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर एक शख्स को लूट लिया। बताया जाता है कि रविवार दोपहर 2 लुटेरे एक चावल कारोबारी के दफ्तर में घुसकर 21 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस अब लुटेरों की तलाश में है। ओडिशा के कालाहांडी में जंगलों में एसओजी जवानों ने मुठभेड़ में 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस को इनके पास से 2 बंदूक, 1 पिस्टल और कई राउंड गोलियां बरामद हुई है। बाड़मेर पुलिस ने 3 शराब तस्करों को दबोचा है। पुलिस ने इनके पास से 20,000 नकद और शराब की 50 पेटियां जब्त की है। पुलिस ने खुफिया सूचना पर कार्रवाई की। तीनों आरोपी लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक सरपंच को गांव के दबंगों ने जमकर पीट दिया। मामला बस इतना था कि एक दिन पहले इस इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम था और पीड़ित दलित सरपंच मुख्यमंत्री के साथ मंच पर बैठा था, जबकि गांव के दबंग नीचे। इसी बात का बदला लेने के लिए गांव के दबंगों ने दलित सरपंच की धुनाई कर दी। पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। दिल्ली में एक शख्स ने मेट्रो के सामने कूदकर जान दे दी। घटना रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर बीती रात करीब 8 बजे की है। युवक मेट्रो का इंतजार कर रहा था और जैसे ही मेट्रो आई वो उसके सामने कूद गया। घायल हालत में उसे पास के ही अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता हारून यूसुफ ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमकर खिंचाई की। हारून यूसुफ ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल पेश करने का अधिकार दिल्ली विधानसभा को नहीं है, फिर भी केजरीवाल अलग राज्य की बात करते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि केजरीवाल असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे शगुफे छोड़ते हैं। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में तीनों पार्टियों का चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। नॉर्थ दिल्ली में हो रहे 2 सीटों वजीरपुर और शालीमार बाग पर बीजेपी, कांग्रेस और आप के प्रचार अभियान में बीजेपी और आप के मंत्री लगे हुए हैं। कांग्रेस भी अपने परंपरागत वोट बैंक को वापस लेने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। नोएडा के सेक्टर 151 में जेपी के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि जिन फ्लैट्स की चाबी उन्हें 2012 में मिल जानी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है। 2009 में जेपी ग्रुप ने 3500 फ्लैट वाले अमन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। उस वक्त वादा किया था कि 2012 तक लोगों को उनके घरों की चाबियां मिल जाएंगी, लेकिन लोगों का सपना अब तक सपना ही बना हुआ है।
राजस्थान के चुरू में एक सेना के जवान के अभ्यास के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि अभ्यास के क्रम में अपनी ही राइफल से गोली चल गई, जो सीधे सिर में जा लगी, जिससे जवान प्रकाश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला था। पठानकोट में सेल्फी लेते वक्त चली गोली से जख्मी लड़के की मौत हो गई। शनिवार को 14 साल का रमनदीप अपनी बहन के साथ अपनी कनपटी पर लाइसेंसी रिवॉल्वर रखकर सेल्फी ले रहा था। गलती से गोली चलने के बाद रमनदीप गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में कर्ज से दबे एक किसान ने खुदकुशी कर ली। फसल ठीक न होने और बेटे की बीमारी के इलाज के लिए कर्ज के बोझ तले दबे सुरजीत सिंह ने जान दे दी। बताया जाता है कि उस पर करीब 12 लाख का कर्ज था और बेटी की बीमारी से मौत हो गई थी। दिल्ली में तेज रफ्तार स्कूल बस ने दो स्कूटर सवार को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास तेज रफ्तार बस की टक्कर से स्कूटर चला रहे दादा और पीछे बैठे पोते की मौत हो गई। दादा श्रीचंद की उम्र 60 साल थी और पोते कृत की उम्र 10 साल थी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। लोगों ने नागिन डांस कर अपने गुस्से का इजहार किया। ये लोग पीडब्ल्यूडी विभाग के सुस्त रवैये से नाराज थे। हालांकि 5 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में इन दिनों पंचायत चुनाव में उतरी एक महिला उम्मीदवार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वजह यह है कि गांव के मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए MBA के बाद लाखों की सैलरी छोड़कर गांव के चुनाव में ये महिला कूदी है। महिला के हौसले को देखकर सभी हैरान हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने बाल विवाह के आरोप में दुल्हन के पिता और दूल्हे को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि दुल्हन की उम्र 15 साल है और उसकी शादी जबरन कराई जा रही थी। लड़की की बहन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले शादी रुकवाई। बिहार के गया में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरिया से 150 से ज्यादा लोग बीमार हो चुके हैं, जिनका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में चल रहा है। इस बीमारी ने यहां महामारी का रूप ले लिया है और प्रशासन बेपरवाह है। उज्जैन के सिंहस कुंभ में पंचकोशी यात्रा शुरू हुई। 118 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 5 दिन की इस यात्रा में अब श्रद्धालु 84 महादेव सहित 4 द्वारपालों के दर्शन कर फिर से उज्जैन लौटेंगे। गाजियाबाद पुलिस ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये ऐप हर पुलिसकर्मी के मोबाइल में होगा। ये ऐप ऑफलाइन भी चलेगा और इसमें हर अपराधी का डेटा मौजूद रहेगा, जो नाम बोलते ही या फिर लिखते ही पूरी डिटेल सामने ला देगा। जेल में बंद या छूटे हुए अपराधियों की भी इसमें डिटेल होगी। हापुर के एक गांव में करीब 20 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। गांव के रास्ते में अजगर के दिखते ही वहां से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। लोगों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इलाके में अजगर की वजह से खौफ बना हुआ है। पुणे सुपर जॉइंट्स को मुंबई इंडियंस ने उसके घर में 8 विकेट से परास्त कर दिया। इस जीत के बाद मुंबई इंडियंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुणे ने मुंबई के सामने 160 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मुंबई ने 18.3 ओवरों में ही हासिल कर लिया। मुंबई की जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा। रोहित ने 85 रनों की नाबाद पारी खेली। एक दूसरे मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने गुजरात लॉयंस को 23 रनों से पीट दिया। लगातार हार की मार झेल रहे पंजाब की टीम नए कप्तान मुरली विजय के साथ नई उत्साह से मैदान में उतरी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने 19.5 ओवरों में 154 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 131 रन ही बना सकी। पंजाब की तरफ से कप्तान मुरली विजय ने 55 रनों की पारी खेली। बेंगलोर में दो दिग्गज क्रिकेटर अलग ही रंग में नजर आए। विराट कोहली और क्रिस गेल एक प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे। दोनों क्रिकेटरों ने ड्वेन ब्रावो के चैंपियन गाने को गाया और साथ में डांस भी किया। केन्या के नैरोबी में एक 6 मंजिला इमारत गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 69 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक मलबे के ढेर से 130 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है। चिली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। राजधानी सैंटियागो की सड़क पर श्रम नीतियों में बदलाव की मांग को लेकर खेती
और मछली पालन के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस को इन्हें काबू करने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। सीरिया के एलेपो में हुए हवाई हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। वीडियो में पूरे इलाके की तबाही का मंजर है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुए ताज़ा हवाई हमले में एक मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पूरे इलाके में ये इकलौता अस्पताल था जिसे तबाह कर दिया गया। सुल्तान की शूटिंग के सिलसिले में बॉलीवुड स्टार सलमान खान पहुंचे हरियाणा के रेवाड़ी। अपने सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ तपती जलती दोपहरी में भी बेकरार दिखी। रेवाड़ी में सलमान अपनी फिल्म सुल्तान के लिए एक सीक्वेंस शूट कर रहे हैं जिसमें वो एक स्टीम इंजन अकबर के साथ रेस लगाते हैं। जेल से रिहाई के बाद पहली बार संजय दत्त किसी राजनीतिक जलसे में दिखे। मलाड में महाराष्ट्र दिवस के मौके पर बीजेपी के एक कार्यक्रम में संजू बाबा पहुंचे। हालांकि संजू ने यह साफ साफ कह दिया कि वो यहां अपने दोस्त मोहित कंबोज के न्योते पर आए हैं।